Hi family, very very good morning. Happy Navratri, all of you. This is my second Navratri after a marriage. This is my daughter's second Navratri. इसी time पे मेरी daughter का birth हुआ था Navratri के second day पे, तो उसका भी मतलब अभी नहीं कल से start हो जाएगी second Navratri उसकी भी. And क्योंकि कल भी उसका birth हुआ था ना, तो आज first day है. तो अभी मैं सो के उठी हूँ, मैं जा रही हूँ मम्मी से हेयर ऑयल चंपिंग कराने. हेयर देख रहे हैं ना आप एकदम से, अभी तो चंपिंग कराने जा रही हूँ. चंपिंग कराने के बाद मैं हेयर वॉश करूँगी. ब्लॉग में बने रहिएगा कि मैं पूजा करने कहाँ जाती हूँ, घर पे ही करती हूँ, मंदिर में जाती हूँ. सो एंड मेरी डॉटर पूजा कैसे करती है, सो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिएगा. मैं जा रही हूँ हेयर ऑयल चंपिंग करा लूँ. एंड जो लोगों ने हेयर चंपिंग का वीडियो नहीं देखा, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा. मैंने हेयर चंपिंग का एक ब्लॉग डाल रखा है, सो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा. अच्छा लगता है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डूइंग कमेंट. सो अभी मैं जा रही हूँ मम्मी से हेयर चंपिंग करा लूँ जाकर फटाफट. अभी तो मैं हेयर चंपिंग के मज़े ले रही हूँ आजकल करूँगी. एंड उसके बाद मैं पूजा करने देखती हूँ. देखिए कहाँ जाती हूँ पूजा करने के लिए, मंदिर में या घर पे ही करती हूँ. सभी के लिए ब्लॉग का क्लोज. फाइनली हो चुकी है मेरी हेयर ऑयल चंपिंग एंड काफ़ी अच्छे से करी मम्मी ने मसाज. इतना मज़ा आया, गुड गुड फीलिंग आ रही थी, हैप्पी हैप्पी मस्त आ रही. जरा स्लिपिंग स्लिपिंग कर लूँ बट मैं थोड़ी देर 15-20 मिनट तक वॉक करूँगी ऐसे ही. एंड उसके बाद मैं जो है ना बात करने के लिए जाऊँगी. अभी अपने बालों में, मेरे बालों में, हेयर में ऑयल अच्छे से एकदम एब्जॉर्ब हो जाएगा, स्कैल्प में अच्छे से लग जाएगा. तो इस वजह से तब तक मैं थोड़ा देर ऐसे घूम लेती हूँ. एंड उसके बाद मैं नहाती हूँ, जाके फिर करती हूँ पूजा. एंड तक ना मंदिर जाती हूँ कि घर पे करती हूँ. सो ब्लॉग में बने रहिए. नान आमु मार दो हर सुगा ऑब्सर्ची. फाइनली गाइस मैं शावर लेके आ चुकी हूँ एंड हेयर वॉश कर लिया. हेयर एकदम सिल्की सिल्की से लग रहे हैं, बिल्कुल ही सिल्की हो गए हैं ऑयलिंग कराने के बाद. एंड रेडी हो गई, अब थोड़ा रेडी हो जाऊँ फिर उसके बाद मैं पूजा करती हूँ. एंड देखना मैं फास्ट रहती हूँ या नहीं रहती हूँ. अगर रहती हूँ तो पूरे नवरात्र रहती हूँ या फर्स्ट डे रहती हूँ, फर्स्ट एंड लास्ट डे. सो प्लीज़ ब्लॉग में ज़रूर देखिएगा. एंड मैं फटाफट से थोड़ा रेडी हो लूँ. मेरी डॉटर को मम्मी भी बात करा रही है, तब तक वो बात करी तब तक मैं अभी रेडी हो जाती, फिर देखना हम लोगों ने कैसे पूजा की है. सो फाइनली आज ही हो के आ गई हैं रेडी. मम्मी अभी इनको बात करा के मेरे को देखे गई हैं, मैं अभी रेडी नहीं हो पाई हूँ. एंड मैं जा रही हूँ अब खुद रेडी होने. ज़्यादा कुछ रेडी नहीं हूँ, बस सिंपल ही रही क्योंकि पूजा करनी है, कहीं जा रही है पार्ट वगैरह में. तो थोड़ा सा रेडी होकर मम्मी की तरफ देख रही है कि मम्मी क्या बोले जा रही है. स्माइल दे रही, हेलो बोलो, हेलो राधे राधे लल्ला बाबू, राधे 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 बोलो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी. मेरे फेस की तरफ देखे जा रही, पता नहीं क्या बोले यार. तो मैं अभी थोड़ा रेडी हो जाऊँ, थोड़ा ज़्यादा कुछ नहीं रेडी हूँ. मम्मी को बात करा के रेड करके देखी गई मेरी बच्ची. हैप्पी नवरात्रि. एंड मैं हो चुकी हूँ रेडी. एंड जो एक सुहागन का श्रृंगार काला मेकअप होता है, मैंने सारा मेकअप कर लिया है. एंड मैं जा रही हूँ पूजा करने, चुन्नू लूँ, अपनी डॉटर को बैठाऊँ, मैं पूजा करूँ. सब लोग में बने रही है, तो ब्लॉग अच्छा लगता है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. सो फाइनली गाइस दिस इज माय टेंपल, प्यारी सी गॉड जी. एंड इतना छोटा सा मंदिर है, इसमें ये हैं दुर्गे माँ, सारे भगवान रखे हुए हैं. ये आ गए पूजा करने पहले से ही. एंड अब मैं यहाँ पे बैठ के पूजा कर रही हूँ. सबसे फाइनली गाइस मैं बैठती हूँ पूजा करने के लिए रेडी. एंड मैं पूजा कर रही हूँ बैठ के घर पे, पहले करती हूँ पूजा. सो फाइनली गाइस मैं बैठ चुकी हूँ मंदिर में. मैंने यहाँ पे धूप घी में मिक्स करके रख ली और थोड़ा सा घी ऊपर से डाल रही हूँ धूप में, बिकॉज अच्छी धूप जले हमारी. एंड इसको मैंने रख लिया है और मैंने इसे यहाँ पे दो लौंग रखी हैं, धूप में दो लौंग रखी जाती हैं. एंड ये हमारी कपूर की डब्बी, इसमें से निकाल के मैं कपूर रखूँगी थोड़ा सा. एंड कपूर रखने के बाद मैं अग्यारी लगाऊँगी. एंड मैंने और थोड़ा सा घी डालना है इसमें बिकॉज काफ़ी अच्छे से जल जाए. ये है मेरा दीपक जिससे मैं आरती करूँगी. एंड अब मैं लगा रही हूँ अग्यारी. एंड देसी स्टाइल में पूजा की है. फाइनली अग्यारी तो हमारा बंदर रखा हुआ है प्लेट में, क्योंकि हमारी सिस्टर पहले से ही पूजा कर चुकी है मॉर्निंग में. उसके सिप्ट थी तो उसने 5 बजे ही मॉर्निंग में पूजा कर ली थी, और अभी का टाइम हो रहा है 10, तो मैं 10 बजे देसी से जला ले रही हूँ. प्रसाद है, ये क्या है प्रसाद? अब इसको चढ़ाएंगे भगवान जी को. यहाँ पे भोग लगा देती हूँ, मम्मी ने घर पे बनाया था. अब मैं बुलाती हूँ इनको लाने के बाद मैं करती हूँ चरण. पूजा कर रही हैं
बोलो दुर्गे मात की जय, बोलो शेरावाली मैया की जय, बोलो अम्बे मैया की जय। मैंने कोई स्थापना नहीं की थी बिकॉज मैं व्रत नहीं थी एंड मैंने नॉर्मली पूजा ही की थी, बट अगर मैं फास्ट रहती तो मैं पूरा स्थापना से फूल उससे करती, ज्वार वगैरह करती, बट ऐसा कुछ नहीं था तो इस वजह से मैंने नॉर्मली पूजा की है दुर्गे मात की। माँ अपना आशीर्वाद आप पर और हम सब पर बनाए रखें, यही दुआ है मेरी माँ से। जय माता रानी, जय भगवान जी, जय लड्डू गोपाल, जय लड्डू गोपाल, जय लड्डू गोपाल, जय कृष्ण भगवान की जय सरस्वती मैया। आधा प्रसाद खिला लल्ला सबको भगवान जी को। सो ले लिया ना प्रसाद, देखो अरे भगवान जी खिला, भगवान जी को खड़े हो जाओ, स्टैंड अप बोलो, स्टैंड अप, माता रानी को खिला, माता रानी को प्रसाद खिलाए। जय माता रानी, लो भगवान जी को खिला दो। जय भगवान जी, जय लड्डू गोपाल, जय गुरु महाराज, ये लो सरस्वती माँ खिला दो। अब तुम बैठो मैं खिला दूँ। ओके बस वो भी बूझा, अब ले अभी तो रुको तो बाबू। माता रानी हम पर और आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मेरा परिवार आपका परिवार है, आपका परिवार आप लोग मेरा परिवार ही है, तो आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मिलता रहे और ऐसे ही आगे बढ़ती रहो। आप लोग सपोर्ट और प्यार के लिए कुछ भी नहीं तो अपना प्यार देते रहिए, सपोर्ट बढ़ते रहिए। मैं बहुत आगे तक जाना चाहती हूँ, प्लीज़ अपना सपोर्ट दीजिए। हो गई पूजा, टीका भी लग गया है, मम्मा ने भी अपने लगा लिया। ये जय माता रानी, राधे 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 राधे। सो गाइज, मेरी इस वीडियो में यहाँ पर क्लियरिटी नहीं है बिकॉज जहाँ पर मंदिर है उसी के ऊपर लाइट्स है, तो इफेक्ट उल्टा पड़ रहा था। मैंने पीछे साइड कैमरा रखा हुआ था एंड कैमरे पर लाइट पड़ रही तो इस वजह से क्लियरिटी नहीं आ पाई है एंड उसके लिए सॉरी। एंड भगवान अपना आशीर्वाद बनाए रखे हम पर हमेशा और आप लोगों पर भी। आप लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अच्छे रहें। सो फाइनली गाइज, ये थी मेरी देसी स्टाइल की पूजा एंड ये रखे हमारे बारे में सरस्वती माता हैं, ये मम्मी के गुरु जी हैं, लक्ष्मी गणेश जी हैं, शिव जी हैं, कृष्ण भगवान जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं एंड ये लक्ष्मी गणेश एंड सरस्वती माता हैं एंड ये गन्नू महाराज एंड ये हमारे और के कुछ मूर्तियाँ हैं जो इसमें रखी हैं, भगवान लक्ष्मी गणेश के ही सिक्के हैं एंड ये हैं काऊ माता एंड ये हैं दुर्गे माँ हमारी जिनका आज दिन है पूरा पूरा। मेरी बात यही थी, छोटी सी पूजा घर पर ही करी मैंने अपनी छोटी सी पूजा। राधे 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 राधे, मैच बॉक्स नहीं लेते हैं, पहले राधे राधे करो। जय भगवान की, राधे राधे, जय भगवान की। ये हो रही है इनकी पूजा, इन्होंने मेरे साथ बैठ के कर ली थी पूजा, बट अभी भी इनका पूजा करने से मन नहीं भरा तो ये देखो पैर छूने जा रही हैं, वो उठा लिया इन्होंने। शुरू हो चुकी हमारे घर पे पूजा। बाबू
चलो देखो मेरी तरफ, ये ओए पूजा। हाँ चलो मैंने कर लिया पूजा एंड मेरी पूजा हो चुकी है। ब्लॉग आप लोगों को अगर अच्छा लगता है रिलैक्स है, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कैप्चर कर पाई थी बिकॉज मेरी सिस्टर की शिफ्ट चल रही थी, उसने बोला मैं ब्लॉग शूट कर दूँगी, देन वो अपनी शिफ्ट में बिजी थी तो इस वजह से मैंने खुद ही ब्लॉग को शूट किया। मोबाइल रखा बैग से तो नहीं हो पाया था, ट्राइपॉड बैग में लगा दिया, मैं भूल गई क्योंकि मुझे साइड से रखना था, ज़्यादा कुछ कैप्चर नहीं कर पाए ब्लॉग में। डर पूजा पूजा कर ली है और ये पूजा करके आगे बोलो जय माता दी राधे। तो से एक दिन पहले हमारे यहाँ बनती है खीर, तो मम्मी ने बनाई है मेवे की खीर एंड ये बन के कल की शाम की रखी हुई थी एंड ऐसे खुले में रखी जा रहा शाम को रखी थी। अब मैं इस खीर को खाऊंगी एंड मेरा फास्ट नहीं है, मैं नवरात्र फास्ट नहीं रही बिकॉज सेकेंड है एंड मैं फर्स्ट में रही नहीं, और अभी मैं कोई फास्ट नहीं रखा है मैंने, एंड नेक्स्ट आएगा तब देखूँगी। तो ये खीर एंड मम्मी ने बनाया था घर पर ही प्रसाद, मैंने ये बना रखा है हमारा प्रसाद, मैंने इसी का ब्लॉग लगाया हुआ था मेवे का है, घर पर ही मम्मी ने बनाया तो काफ़ी अच्छा टेस्टी बनाया, देखने में इतना टेस्टी लग रहा है, खीर भी काफ़ी टेस्टी लग रही है। मैंने थोड़ा बनाया तो थोड़ा सा नहीं, प्रसाद तो प्रसाद होता है इतना है, इतना बहुत है, मैंने ही भोग लगा दिया है, सिस्टम में लगा दिया, काफ़ी अच्छा प्रसाद बना है, देखने में इतना टेस्टी लग रहा है तो खाने में टेस्टी। ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब फैमिली एंड ये थोड़ा अब भी चल रही है बताने क्यों, राधे राधे बोलो राधे राधे। अगर ब्लॉग अच्छा लगे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डूइंग कमेंट्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हो जय माता दी। हाँ जय माता दी। ब्लॉग को कर रही हूँ क्लोज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।